यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हो? हाँ, अब ये मत कह देना कि तुम्हारा भी कर दूँ। 8 बजे मेरा फेवरेट ड्रामा आता है। अभी 8 बजने में पूरे 15 मिनट है, प्लीज़ मेरा भी यूनिफॉर्म प्रेस कर दो। क्यों, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे? अभी मुझे सैलेड बनानी है, फिर 7 भाई के लिए चाय, और फिर सबके लिए रोटी बनानी है। अच्छा बाबा, कर लूँगी। अक्सा, चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। जी भाभी। ये भाभी भी ना अपने और भाई के काम खुद नहीं कर सकती है। निम्रा, आहिस्ता बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो गुस्सा करेंगी। करने गुस्सा, मैं उनके गुस्से से नहीं डरती, तुम डरती होगी। बड़ी है, इज्जत करनी पड़ती है। अब इतनी भी बड़ी नहीं है, असल गुस्सा तो मुझे भाई पर आता है। सारे भरम हम दोनों बहनों के लिए, बेगम के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा अब जल्दी जल्दी करो, 8 बजने वाले, तुम्हारा फेवरेट ड्रामा निकल जाएगा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। निम्रा, ये तुम्हारे भाई के कपड़े, प्रेस कर देना, सुबह ने जल्दी ऑफिस जाना है, याद से। ये स्त्री जिसने भी आजाद की है ना, उससे करवट करवट जहन्नुम नसीब हो। चुड़ैल लगती हो ऐसे हंसते हुए। हमारी भी क्या जिंदगी है, अपना फेवरेट ड्रामा भी नहीं देख सकते, बस हर वक्त मासी बन के लगे रहो। इतना उदास और मायूस मत हो, आंखें खोलो, सामने देखो, एक रोशन और चमकदार मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उस मुस्तकबिल का नाम है अदनान अहमद। बस दुआ करो कि अदनान भाई जल्दी से तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाए। अक्सा, अक्सा। जी भाभी। कहाँ थी तुम? किचन में थी। जाकर देखो टीपू उठना गया हो। अच्छा। और सुनो, उसकी फीडर भी तैयार कर देना। जी ठीक है। अक्सा, निम्रा। जी अम्मी। बेटा एक ग्लास पानी पिला दो, बाजार में इतना रश था कि सर में दर्द हो गया। अभी लाती हूँ। उफ, बाजार गई थी आंटी, क्या लाई है? हाँ वो बराबर वाली शाखरा है ना, वो बाजार जा रही थी, उसके साथ चली गई थी। निम्रा के जहेज के लिए कुछ जोड़े लेकर आई हूँ। जहेज के जोड़े? काफी पैसे खर्च हो गए होंगे ना? नहीं बेटा, मैंने कुछ बचत की हुई थी। इससे पहले कि ये पैसे इधर उधर खर्च हो जाएं, मैंने सोचा मैं निम्रा के लिए जोड़े ले आऊँ। आखिर एक दिन उसको रुख्सत भी तो करना है ना। मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, इतना प्यारा जोड़ा है ना। अरे आंटी, तो वाकई बहुत खूबसूरत है, कितने का लिया आपने? सिर्फ 4,000 का। अम्मी ये पानी किसके लिए लाई आप इतना प्यारा सूट? मेरे लिए। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तुम्हें भी बना दूंगी। ये तो मैं निम्रा के लिए लेकर आई हूँ। ये देखो, ये रंग कितना जचेगा निम्रा पर। जी अम्मी बहुत प्यारा है। और ये वाला तो मेरा पसंदीदा जोड़ा है, ये देखो। माशाल्लाह अम्मी, सारे सूट बहुत अच्छे हैं। हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन महंगे भी बहुत है। अक्सर बेटा इन सबको तय करके अलमारी में रख। जी। निम्रा कहाँ है? निम्रा कॉलेज से आके सो गई। तौबा, कितना सोती है लड़की। मेरी अम्मी तो शादी से पहले मुझे दोपहर में सोने ही नहीं देती थी, कहती थी कि दोपहर में सोने वालों के नसीब भी सो जाते हैं। टीपू सोया नहीं अब तक? अरे भाई टीपू के अब्बा सोने वाले थे, कितनी बार क्या, जल्दी आ जाए करो यार। काम से ही कहाँ जान छुट्टी है मेरी। आंटी के उनके कमरे में खाना दिया, उसके बाद अक्सा और निम्रा को सब्जी पसंद नहीं आई, फिर उनकी पसंद का कीमा बनाया, उनको खाना दिया, तो किचन साफ करने लग गई। इतने में आंटी कहने लगी कि उनके लिए चाय बना दो। चाय बनाने किचन में जाने लगी। अरे भाई अक्सा निम्रा भी तो है ना, तुम्हारा हाथ बटाती है, इतना लोड कैसे पड़ जाता है तुम पे? साथ वो भी छोटी हैं दोनों, भला उनको जिम्मेदारियों का कहाँ एहसास। कभी मूड हुआ तो कर लिया, वरना नहीं किया काम। वैसे अगर हर शख्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो ना तो घर में इतने मसले ना हो। अच्छा मुझे तो लगता है काम करती हैं यार। बहरहाल तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो अम्मी से बात करूंगा मैं। नहीं नहीं साथ, तुम क्यों बात करोगे आंटी से? बिना वजह घर का माहौल खराब होगा, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कि मेरे अपने मुझसे खफा हो जाए, इसलिए जैसा चल रहा है चलते रहने दो।
अच्छा वैसे ये बात तुमने समझदारी की है। साथ अगर एक बात कहूँ तुमसे तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुम्हारी कौन सी बात का बुरा होना था मैं? बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि तुम जो आंटी को घर के खर्चे के लिए पैसे देते हो ना, वो थोड़ा कम कर दो। कम कर दो? अम्मी तो कह रही है बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, महंगाई होगी, तुम कह रही कम कर दो। वो तो आंटी ने ऐसे ही कह दिया होगा, वो पैसे तो काफी होते हैं घर के खर्चे के लिए। अरे उसी पैसों में से तो आंटी निमरा के जहेज के लिए कपड़े बना रही है। तुम्हें पता है साथ, जब से निमरा की बकायदा मंगनी हुई ना, आंटी को तो बस एक ही शौक है, महंगे महंगे कपड़े बनाना। फिर भी उनका दिल नहीं भरता। मगर मेरे ख्याल में उन कपड़ों से ज्यादा जरूरी दूसरा सामान है ना। उन पैसों से तो हम और बहुत जरूरी चीजें भी खरीद सकते हैं जो बाद में उसके काम आएंगी। इसलिए मैं ये कह रही थी कि वो ऊपर के पैसे तुम मुझे दे देना, फिर देखिएगा मैं आपकी बहन के लिए कितना अच्छा जेज बनाऊंगी। भूख लग रही है? अल्लाह मैं तो थक गई आज। ये तो रोज की रूटीन है। फिर गिला किस बात का? हाँ लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं आया मंगने के बाद। अदनान को फोन करें। पागल हो गई हो क्या? सा प्लीज, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उनसे बातें करूं। देखो आज तुम मेरी हेल्प करोगी ना, तो कल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। प्लीज मेरी अच्छी बहन हो ना। नहीं निमरा। निमरा बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे रात काफी हो गई है, तुम अब तक जाग रही हो? वो आपकी और पप्पो की खैरियत मालूम करनी थी ना, इसीलिए। बस अब मैं फोन बंद करती हूँ, अभी नमाज भी पढ़नी है। हाँ ठीक है, जाओ जाकर नमाज पढ़ो और सो जाओ, इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं होता। जी जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरवा दिया ना, देखा फौरन से लक्ष्य देना शुरू कर दिया। मेरे बारे में तो पूछा तक नहीं, ऐसे होते मंगेतर। तुम अपना दिल खराब क्यों कर रही हो? हर खानदान की कुछ रवायात होती हैं और अच्छे लड़के ऐसी बातों का ख्याल रखते हैं। हाँ शायद ठीक कह रही हो, कि मेरी दोस्त है ना नूरी, उसका फियांसा उससे सारी सारी रात बात करता है। इतना महंगा गिफ्ट भी दिया उसने मोबाइल, हमेशा उसके गुण गा रही होती है, समझो पागल है उसके पीछे। और सब मुझसे मेरे मंगेतर के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो फिर तुम क्या कहती हो? क्या कह सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कहती। ऊपर से एक और मुसीबत, सब कहते हैं कि उनको अदनान से मिलना है, अदनान मुझसे नहीं मिलते, उनसे क्या मिलेंगे? ये बात तो है। यही तो बात है। हाय निमरा। अरे तुम कॉलेज आई हो, क्लास नहीं अटेंड की? यार कैंटीन में थी आज, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था क्लास अटेंड करने का। वाह क्या बात है आपके मूड की, जब मूड नहीं था तो कॉलेज क्यों आई? यार मैं तो एंजॉय करने आती हूँ, ये पढ़ाई वढ़ाई ना मेरी बस की बात नहीं है। और मेरी मानो तो तुम भी कैंटीन का चक्कर लगा लो, क्या फ्रेश बर्गर्स बने आज। उफ। नूरी कहाँ है? नूरी उसके फियांसे ने उसको गोल्ड ब्रेसलेट गिफ्ट किया, पूरे कॉलेज में शो ऑफ करते घूम रही है। मैं भी देखूंगी। अच्छा अभी रुको तो बात सुनो, वो तुम्हारे अदनान साहब वो क्या जॉबलेस है? अल्लाह ना करे, क्यों? तो फिर क्या तुम्हारी एंगेजमेंट बहुत ज़बरदस्ती हुई है? बिल्कुल भी नहीं। कॉल वगैरह तो करते होंगे तुम्हें? हाँ रोज बात होती है हमारी। अरे तो उनको बोलो ना हमारे कॉलेज आए। पागल हो गई हो, कॉलेज आकर क्या करेंगे? अरे हमसे मुलाकात हो जाएगी, कितने दिनों से तुम्हें बोल रही हूँ, तुम तो रोज टाल देती हो। तुम लोग उनसे मिलकर क्या करोगे? कहीं बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे,
जरा मिलके उनका खर्चा कराएंगे। तुम्हें पता है नूरी का फियांसे रोज हमें इनवाइट करता है लंच पे, वो तो बस वेट कर रहा है हम लोग हाँ बोले और मैं पिक करने आ जाए। अच्छा तुम बताओ कब चले उसके साथ लंच पे? मैं नहीं जा सकती, मुझे परमिशन नहीं है। ओह गॉड निमरा, ये जो लाइफ है ना हमें एक ही बार मिलती है, और ये कॉलेज लाइफ ये तो पलक झपटते खत्म हो जाएगी, फिर क्या रह जाएगा? यादें। तो क्यों ना हम इन यादों को बहुत अच्छा और एक्साइटिंग बना दें। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसका जो फियांसा है ना एक नजर नहीं भाता मुझे, ना जीप लोफर सा है और जब देखो फ्री होने की कोशिश करता है। अच्छा हर कोई तुम्हारे अदनान की तरह बहुत सीरियस और बोरिंग नहीं है। वैसे तुम्हारा फियांसा है बहुत चार्मिंग। तुम्हें याद है जिस दिन तुम एल्बम लेकर आई थी सारी कॉलेज की लड़कियाँ उसी की तस्वीर देखी जा रही थी, और कुछ तो अब तक आहे भरी कि ओ काश हम निमरा की जगह होते। वैसे कब ला रही हो अपने हैंडसम को? अब उसके साथ तो चलोगी ना? हाँ जरूर चलूंगी। अच्छा सुनो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ। एक जगह लिखा हुआ था साथ, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं बात कर रही हूँ, आप तो मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। कौन? निम्रा। जी निम्रा ही बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, तुम कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा वो साथ से कुछ काम था, कहाँ है वो? वो तो सो रहे थे, मोबाइल बाहर रखा हुआ था, उठा दूं क्या? नहीं नहीं रहने दो, मैं बाद में फोन कर लूंगा। चलें ठीक है। वैसे आप लोग कितने दिनों से आए नहीं है, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ पप्पो को? सर बॉस आपको बुला रहे हैं। अच्छा मैं आता हूँ। निम्रा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारी वाकई अदनान भाई से बात हुई? खाक बात हुई, उन्होंने कौन सी मुझसे मीठी मीठी बातें कर ली। साद भाई के लिए फोन किया था, ये काट का उल्लू मेरी नसीब में था। मेरी दोस्त है ना अफशी, उसका मंगेतर उससे सारी सारी रात बात करता है, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भिजवाता है बाहर से, और नूरी हर वक्त अपने फियांसे के बारे में बात कर रही होती है। मेरे पास कुछ होता ही नहीं कहने को, हर कोई मुझसे मेरे मंगेतर के बारे में पूछता है, हर वक्त मैं झूठ बोलती रहती हूँ। निम्रा अदनान भाई बहुत अच्छे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत खुश होगे। अदनान भाई अच्छे शौहर साबित होंगे। खाक अच्छे शौहर साबित होंगे, उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना अच्छा मौका जाया कर दिया उन्होंने। निम्रा बात तो सुनो मेरी। प्लीज अभी मुझे नहीं बुलाओ, सारा गुस्सा तुम पे निकालोगे। निम्रा निम्रा कहाँ हो? यहाँ पर हो। निम्रा मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। ऐसी क्या न्यूज है? कहीं खाला तो नहीं आ रही कराची तुम्हारा रिश्ता मांगने? खबर का ताल्लुक ससुराल से जरूर है, लेकिन मेरे नहीं तुम्हारे। अदनान तो नहीं आ रहे? नहीं हम उनकी तरफ जा रहे। झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता, अम्मी मुझे मंगनी के बाद उनके घर जाने ही ना दे। मैं सच कह रही हूँ, अम्मी ने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, फूफो की तबीयत ठीक नहीं, उनका पता लेने जाना। जाओ नंबर शंबर बनाओ। मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? वो ब्लैक वाला अच्छा है, लेकिन तुमने उसको पहनकर मैला कर दिया। येलो वाला पहन लूं? हाँ येलो वाला भी अच्छा है, एक ही बार पहना है वो पहन लो। उसके साथ सिल्वर वाले झुमके अच्छे लगेंगे ना? अच्छे की बच्ची, अम्मी ने कहा बिल्कुल सादगी से जाना है, वो हाथ दो कपड़े बदलो और चलो। एक तो अम्मी भी ना चाहती नहीं है कि मैदान को अच्छी लगूं, बस ये चाहती हूँ अपनी सास के दिल में जगह बनाती रहूं भले अदनान मुझे ना देखे। चलना है कि नहीं? हाँ जाना है, लेकिन मैं आईलाइनर और लिपस्टिक जरूर लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन हल्का मेकअप करना और जल्दी करना, अम्मी ज्यादा वक्त नहीं देंगे। हाँ ना बाबा जा रही तैयार हूँ। अच्छा तुम तो बिला वजह एक्साइटेड हो रही हो, पता नहीं अदनान भाई वहाँ होंगे भी कि नहीं। होंगे देख लेना तुम। अच्छा ठीक है चलो। हर चीज इतना चेंज चेंज लग रहा है, मेरे ख्याल से पेंट भी किया और ये कुर्सियों के कवर भी, सोफे भी। अच्छा चुप कर जाओ, मेरे ख्याल से आपा ऊपर है, चलो ऊपर। अम्मी आप जाएं, हम बस आ रहे हैं।
ठीक है। अक्सा देखो अदनान कमरे में है, अगर अदनान भाई घर पर होते तो गेट चौकीदार खोलता। तुम्हारे घर में चौकीदार नहीं है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अगर चौकीदार होता तो वही खोलता है। अब चेक करो जाकर। जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा तुम? मेरा मतलब है किसी के साथ आई? जी अक्सर मैं अम्मी के साथ आए, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं थी ना तो को देखना है। कैसी? ठीक हूँ। आजकल अब काफी बिजी रहते हैं, आते नहीं है। निम्रा तुम्हारी तैयारी तो गई भाड़ में। अदनान भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। आओ ऊपर अम्मी के पास चलकर बैठते हैं। जी। बस ससरा ये दिन मैंने कैसे गुजारे मैं ही जानती हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें ना आप। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी तेरा। आप सुनाएं आप कैसे? मैं ठीक। अजरा तुमने तो मुझे बताया नहीं कि बच्चियां भी आई हुई हैं। तुम्हारी माँ तो कब से मेरे पास बैठी है, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? और अदनान तुम कब आए? अम्मी बस अभी आया। आज जल्दी आ गए? जी अम्मी आपकी तबीयत की वजह से जल्दी आ गया। अच्छा सब समझती हूँ मैं। अजरा ने या बच्चियों ने अपने आने की इत्तला दे दी होगी तभी दौड़े चले आए तुम। नहीं अम्मी इनका तो मुझे यहाँ आकर पता चला। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। जाके मुँह हाथ धो लो और कपड़े बदल लो। अक्सा कुछ बना लो बेटा। जी अम्मी मैं एक काम करता हूँ, कुछ चीजें बाहर से भी ले आता हूँ फिर सब मिलकर खाते। चलो ठीक है। मैं अभी आया जी। फूफो मैं आती हूँ। जाओ। तुम कहाँ चली? बैठो मेरे पास। मैं दोनों बच्चों को अपने साथ इसलिए ले आई कि आपकी मदद कर देंगी। अब आप बीमारी में कहाँ काम करेंगी? दो चार चीजें फ्रीजर में पड़ी हूँ तो सहूलत हो जाती है। अजरा तुमने खामखा तकल्लुफ किया, अब तो एक फोन करो सब कुछ घर पे आ जाता है। चलो खैर अब बच्चियाँ आ गई हैं तो कुछ बना के रख ही देंगी। कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? बिल्कुल ठीक। आप शाकरा खाला के स्वयं पे भी नहीं जा सकी थी ना? अरे नहीं असरा उन दिनों तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। इतना ठंडा, बहुत बर्फ डाल दी तुमने। मैं बगैर बर्फ के बना देती हूँ। नहीं बस रहने दो। आप लोगों को साथ नहीं ड्रॉप किया? नहीं बेटा साथ को अकेला के साथ कहीं जाना था, हम कैब लेकर आए। चलें आराम से जाइएगा, जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ड्रॉप कराऊंगा। अजरा इतनी रात मत करना, बच्चियों का साथ है, रात को अकेले निकलना मुनासिब नहीं। जी आप हम जल्दी निकल जाएंगे, आपको किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बुलवा लीजिएगा मैं आ जाऊंगी। निम्रा बेटा ऐसा करो कि कुछ डिशेस बना के फ्रीज कर दो। जी साथ आती। वैसे आप अपनी दवाइयां तो वक्त पे ले रही हैं ना? हाँ अदनान मेरा बहुत ख्याल रखता है। सॉरी मोमानी बस खाने का टाइम था और अम्मी की तबीयत की वजह से आपसे खाने का पूछ भी नहीं सके। खैर आपको भी थोड़ी जल्दी थी घर वापस जाने की, लेकिन आइसक्रीम तो हो सकती। अरे नहीं बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, अभी चाय पीकर ही तो निकले हैं, रहने दो। मोमानी तकल्लुफ की बात नहीं है,
आप कौन सा रोज रोज हमारे घर आती हैं? प्लीज मेरी खातिर इनकार मत कीजिएगा, बस थोड़ा वक्त ही लगेगा। अदनान भाई को तुम्हारा कितना ख्याल है ना, अगर अम्मी साथ ना होती तो खाना भी खिला देते। हाँ शायद, पता नहीं हमारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव क्यों है। कुछ कह रही हो निमरा तुम? जी अम्मी, यही कह रही थी कि साथ भाई और भाभी आ गए होंगे ना। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस ये 5 मिनट की ड्राइव कर, जल्दी फारिग हो जाएगी। अक्सा, आज मैं कितनी आफत लग रही थी ना। हाँ अच्छी लग रही थी। सुनो, अदनान हमारे साथ गाड़ी में कितने रिलैक्स थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे फुप्पो की डर से वो बात नहीं करते, वरना उनका भी दिल चाहता होगा ना कि अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इमरा प्लीज़, ये बातें हम सुबह भी कर सकते हैं। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ना तुम कितनी बोरिंग हो, सुबह मैं अक्षय और नूरी को बताऊँगी। इतना अच्छा लग रहा था ऐसे गाड़ी में बैठ के आइसक्रीम खाते हुए। अल्लाह करे ऐसे अच्छा वक्त गुजारते गुजारते पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। बस बहुत हो गई। बहुत बोरिंग हो तुम, तुम्हारे अदनान से कम। अब प्लीज सो जाओ, लाइट बंद कर दो। आप लोग कल कहीं गए थे? हाँ बेटा, कुलसुम आपा की तरफ गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। हाँ तो अकीला को भी ले जाते, उसकी भी तो फूफो लगती हैं। अब आप लोग हुए हैं, वो नहीं गई। बेटा अकीला ने मुझसे कहा था कि उसे तुम्हारे साथ बाजार जाना है। तो बाजार जाना इतना जरूरी तो नहीं था अम्मी। अब आप लोग हुए हैं, अगर इसको बता के जाते तो ये भी चली जाती। पता तो है आपको फूफो का, पूरे खानदान में रोना रोएंगे। अकीला बेटा, तुमने साथ को बताया नहीं, सारी बातें तो तुम्हारे सामने हुई थी। तुमने कहा था कि तुम्हें बाजार जाना है, इसलिए तो हमने साथ का इंतजार नहीं किया और कैब लेके चले गए, वरना तो हम सब आराम से साथ के साथ चले जाते। जी हम यही समझे कि बहुत जरूरी काम है, इसलिए अब भाई के साथ जाने से मना कर रही है। तुम सबके सामने मेरी चलती का है, सारे के सारे मिलके एक हो जाते हो। इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही एक गलत हूँ, बाकी तुम सब सही हो। खुश? अकीला, अकीला बेटा। साद, मैं सच कह रही हूँ, अकीला ने मुझसे खुद कहा था कि उसे तुम्हारे साथ बाजार जाना है। जो भी है मैं उसका ख्याल रखा करें, बहू है आपकी। भाई इतना तो ख्याल रखते हैं हम लोग, कॉलेज जाने से पहले सारे किचन का काम करके जाते हैं। सारी रात उसे टीपू सोने नहीं देता, और आप लोग अपना नाश्ता खुद बनाते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते। हाँ मेरा नाश्ता बनाना उसकी जिम्मेदारी है, वो आप पूरी कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो रहने दे, मैं कल से ऑफिस में नाश्ता कर लिया करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमसे अलग थोड़ी हैं, आपके काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ, इसका मतलब वो नहीं है, ये सिर्फ ये बताना चाह रही है कि हम सब मिलके अकीला का ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना भी चाहिए, नहीं इसी तरह घर में सुकून होता है, और मैं इस घर में सुकून चाहता हूँ, इसीलिए उसको भी समझाता हूँ और आप लोगों को भी। अक्सा बेटा, जाओ जाकर अकीला को बुला के लाओ। पता है कल मैं कहाँ गई थी? तुम्हारी मामा तुम्हें अपने साथ मार्केट ले गई होंगी, इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं तुमसे। नहीं पागल, इसमें ऐसा क्या जो मैं तुम्हें बताऊँगी। आज से पहले तो तुम इसी टाइप की बातें बताती हो, इसलिए मैंने यही गैस किया। क्या हुआ? मैं नान के साथ गई थी। सीरियसली? सच में या ख्वाब में? जाहिर है सच में। पता है हमने आइसक्रीम खाई और कह रहे थे कि हम डिनर भी करते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इट। जानती हो अफशी, उनकी हर चीज़ इतनी अच्छी है, बात करने का अंदाज, ड्रेसिंग का स्टाइल, सारी लड़कियां मुड़ मुड़ कर उनको देख रही थी। ये उन्होंने क्या होता है, वो तुम्हारा कोई अंकल नहीं है, ये जो फैंस है यार। हाँ लेकिन हमारे खानदान में होने वाले हस्बैंड की भी बहुत इज्जत होती है। ओह गॉड निमरा, क्या होगा तुम्हारा। अच्छा छोड़ो ना, सुनो, अदनान कह रहे थे कि उनसे और इंतजार नहीं किया जाता, जल्द शादी करना चाहता हूँ मैं। ओह गॉड, एक तो तुम्हारे क्लास के लड़कों को ना यही बीमारी होती है, इंगेजमेंट का इतना अच्छा टाइम एंजॉय नहीं करते, बस शादी का भूत सवार हो जाता है उन पर। अच्छा नेक्स्ट टाइम पूछे ना तो बिल्कुल मना कर देना, बोलना अभी नहीं करनी तुम्हें शादी। अरे गिफ्ट में क्या मिला तुम्हें?
तुम्हें कैसे पता चला? ऑब्वियसली यार, तुम एंगेजमेंट के बाद फर्स्ट टाइम उसके साथ बाहर गई थी, अब इतना तो हक बनता है ना तुम्हारा। तो क्या दिया हीरो ने? सूट दिया। सूट? ओहो, हाउ अनरोमांटिक। अच्छा नेक्स्ट टाइम जाओ ना तो कुछ गोल्ड की चीज लेना। गोल्ड की चेन सी अच्छी लग रही है ना? अरे मुझे कुछ याद आया, तुमसे कुछ पूछना था। अच्छा निम्रा, तुम्हें पता है मेरे बाबा हर मंथ हमें इतने सारे गिफ्ट्स भेजते हैं सऊदीया से, और वहाँ की ज्वेलरी इट्स सो अमेजिंग, तुम यकीन नहीं करोगी। तुम्हारे पापा बहुत अरसे से पाकिस्तान से बाहर है ना, वापस आने का कोई प्रोग्राम नहीं है? वैसे ना ही आए तो अच्छा है, उनको हमारी लाइफ स्टाइल से बहुत प्रॉब्लम है और हमें उनसे। और मामा, मामा को तो उनको देखते ही हेडेक हो जाता है, वो काफ़ी मिसफिट हो चुके हैं। तुम कैसी बेटी हो, ज़रा भी मोहब्बत नहीं है अपने पापा से, जो कुछ भी होने की वजह से। बच्चों की परवरिश करना, उनकी नीड्स पूरी करना, ये तो हर वालदैन का फ़र्ज़ है और सभी माँ बाप ऐसे करते हैं। अच्छा तुम क्या पूछ रही थी? फिर नूरी को ढूंढने चलते हैं। बहुत ही अच्छा किया कि तुम दोनों आ गए। अज़रा और बच्चियों के जाने के बाद अकीला मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। निम्रा, अक्सा और अकीला सब बराबर है मेरे लिए। पापा मैं भी आपकी वजह से बहुत परेशान हो रही थी। अब बताएं तबीयत कैसी है आपकी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। पप्पो आप इतने दिन बीमार रही हैं, घर के काम काज कौन कर रहा था? मुझे फ़ोन कर दिया होता, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी, मैं फ़ौरन आ जाती। अगर आंटी मुझे इजाज़त देती तो। देखा साहब, ये होती है मोहब्बत। साथ तो तुम्हें मेरे पास आने से रोक नहीं सकता, और रही अज़रा तो उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगी मैं। अरे नहीं पप्पू, हमें भी ऐसा नहीं करेंगे, आप जानती हो ना कितनी फिक्र होती है आपकी। ठीक, कैसे हैं भाभी आप? अच्छा मुझे भाभी बना दिया, भूल गए तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है, तुम्हारे मामू की बेटी भी लगती हूँ मैं। छोटे बच्चे को छोड़ के आई है मेरी खैरियत पता करने के लिए, बड़ी मोहब्बत वाली अकीला। पप्पो अम्मी का फोन आया था, मैंने आपका बताया तो वो भी बहुत परेशान हो गई। सबा भी आपका बहुत पूछ रही थी, कह रही थी कि अगर उसके कॉलेज की छुट्टियाँ होती तो सबसे पहले वो कराची आती आपसे मिलने और आपकी खुद देखभाल करती। अम्मी किसी वक्त आपको फोन करेंगी। तुम और सबा हमेशा खुश रहो। आमीन आमीन। साथ नीचे बैठ के गपशप करें, मैच भी स्टार्ट हो गया होगा, वो भी देखेंगे। अरे हाँ यार, पाकिस्तान टॉस हार गया, बैटिंग कर रहा है, ये ना चाय खत्म होने तक मैच ही खत्म हो जाए। हम नीचे बैठे, आ जाओ। अच्छा ये बताओ कैसी गुजर रही है, ससुराल में कोई मसला तो नहीं है? पप्पू आप तो जानती हैं हम माँ बेटी की बिल्कुल आदत नहीं है कि शिकायत करें। मैं तो आंटी की हर बात पे बस जी हजूरी करती रहती हूँ। मेरी और सबा की तरबियत अम्मी ने बिल्कुल भी इस अंदाज से नहीं की। हाँ तुम्हारी माँ मेरे भाई की जॉब की वजह से दूसरे शहरों में ससुराल से हमेशा दूर रही, इसलिए कम मेल जोल की वजह से हमारी कभी बनी नहीं, वो धीमे मिजाज की नहीं थी। जी जी पप्पू आप ठीक कह रही हैं, अम्मी तो हमें खुद समझाती हैं कि जो गलतियाँ उनसे हुई हैं हम उन्हें हरगिज़ ना दोहराएं। आप सबा को देखेंगी ना पप्पू तो हैरान रह जाएंगी। अच्छा? उसको तो कॉलेज और घर के काम काज के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये निम्रा क्या करती रहती है? अरे पप्पू कुछ नहीं करती आपकी बहू, उसे तो इस बात की खुशी है कि आपके घर की बहू बन रही है। भला उसे अदनान जैसा हीरा लड़का और कहाँ मिलेगा। ये बात तो है, मेरा बेटा लाखों में एक है। कहती है कि उसे घर के काम काज करने की क्या जरूरत है, अदनान की इतनी अच्छी सैलरी है, रख देगा उसे कोई मुलाजमा। क्या उसे नहीं पता कि मुझे मुलाजमत से काम करवाना अच्छा नहीं लगता? पप्पू उसे कौन समझाए, वो तो यही समझ रही है ना कि शादी के बाद पूरे घर की मालकिन वही होगी। आप परेशान मत हो,
छोटी है, इस उम्र में लड़कियां ऐसी बातें कर जाती हैं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी। मैं उसकी सास बाद में हूँ, फुप्पो पहले हूँ। ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया और मैं इसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे फुप्पो, मैंने कहा ना आप जहन पे जोर मत डालें। और अदनान तो आपका बहुत फर्माबरदार बेटा है, पर जब बेटे माओं के साथ हो तो फिर क्या मजाल बहुओं की कि वो परपुरजे निकालें। कह तो तुम सही रही हो। मुझे ये बताओ कि अदनान तुम्हारी तरफ ज्यादा आता जाता तो नहीं? अब नहीं पप्पो, कुछ खास तो नहीं। अच्छा अम्मी, अम्मी गीला, अम्मी कहाँ? आंटी तो सो रही है, तुम बताओ कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। नहीं बस ये महीने के खर्चे के पैसे देने थे। ये पैसे मुझे दे दो, मैं आंटी को दे दूंगी। हाँ बेटा, बुला रहे थे मुझे, कोई काम था, मैं जरा किचन में मसरूफ थी। तुम तो कह रही थी मैं सो रही। बेटा ऐसे पता नहीं होगा। खैर तुम बताओ बात क्या है। बैठे कुछ बात करनी थी आपसे। अच्छा मैं जरा किचन से हुआ हूँ। घर का खर्चा तो मैं भी चला सकती हूँ ना? जी चला सकती हैं आप, जैसे अपनी पॉकेट में नहीं चलाती हैं दस ना। वैसे घर चलाएंगी तो मेरा तो कबाड़ा हो गया ना। हाँ बेटा बोलो। अम्मी ये घर के खर्चे के लिए कुछ पैसा। बिस्मिल्लाह। अच्छा अम्मी, इन पैसों में से बचा के निमरा के लिए कुछ चीज़ें ले रही हैं आप जेस के लिए? हाँ बेटा, खैर से उसकी शादी करनी है मैंने, मैं बहुत हाथ रोक के खर्चा करती हूँ। बस देख लीजिएगा, ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ज़ाया हो जाते हैं। बस ज़रूरत की चीज़ें लें जो बाद में काम आएंगी। आपको तो पता है एक कमाने वाला हूँ मैं, माशाल्लाह पूरा घर चलता। हाँ बेटा। अच्छा ये कुछ पैसे और रख लें और मेरे साथ चलें किसी दिन, जहेज़ का सामान ले लेंगे उसके लिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। तुम भी साथ चलना अकेला, क्या ख्याल है? हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी चलूँगी। वैसे भी मुझे टीपू और अपने लिए कुछ सामान भी तो लेना है ना। तुम्हारे पास पैसे तो हैं या नहीं है? तुम्हें पॉकेट मनी दी तो है मैंने। ख़त्म हो गए सारे पैसे? बच्चे के साथ 100 खर्चे और होते हैं। क्या मतलब ख़त्म हो गई, दो दिन पहले तो दिए मैंने। और किन खर्चों की बात कर रही हो, उसके उसकी चीज़ें तो अलग से आती हैं। अब क्या मैं अपने शौहर को एक एक पाई का हिसाब दूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारे पैसे अपने मैके पहुँचा देती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा यार? तुमसे तो बात करना फजूल है यार। पैसे तो बड़े सखी बनते हैं, मेरे मामले में इनको कंजूसी दिखानी होती है। अब क्या मैं अपने खर्चों के लिए दूसरों से भीख मांगती फिरूंगी? बेटा तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हें टीपू और अपने लिए शॉपिंग करनी है ना, ये पैसे रख लो। रहने दीजिए आंटी आप, अभी तो हमदर्दी में आप मुझे ये पैसे दे रही हैं, उसके बाद अपने बेटे से मेरी शिकायतें करूंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तुम भी तो मेरी बेटी हो ना, रख लो शाबाश। शुक्रिया निम्रा। अरे इतनी देर से तुम दोनों कमरे में क्या कर रही हो? सफाई कर रहे हैं मम्मी। अच्छा अब ये सब छोड़ो, नीचे अदनान आया है। अदनान भाई आए अचानक से? अच्छा ज्यादा बातें नहीं बनाओ, उसके लिए अच्छी सी चाय बनाओ और हाँ कबाब भी फ्राई कर लेना। ठीक है मम्मी। और तुम सुन लो निम्रा, उस रोज की तरह अपने आपे से बाहर मत हो जाना, चाय रखना और वापस अपने कमरे में आ जाना, वहां जमकर बैठने की जरूरत नहीं और ना ही बातें बनाने की। जल्दी आओ। मैंने कौन सी बातें बनाई थी उस दिन? अच्छा छोड़ो ना, और बाल ठीक करके आना, मैं नीचे जा रही हूँ किचन में। साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब से ये टैक्सेस वाला इशू हुआ है प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा सलाम आ गया। तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हेलो।
सबा का फोन आया था पता है? अच्छा। वो बहुत पूछ रही थी पप्पू का। तुम तो जानते हो ना कि वो पप्पू से कितना प्यार करती है, और कभी कभी तो अम्मी भी देख के जेलस हो जाती है। वैसे पप्पू की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बेहतर है अब काफी। चलो अच्छी बात है। अदनान आई। बेटा खाना खा के जाना। नहीं मम्मा नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। मैं सिर्फ साथ से मिलने आया था, कुछ काम था। हाँ हमें जाना है जरा कहीं, आई थिंक खाने के लिए नहीं, देर हो जाएगी। मैं तो अदनान के लिए कबाब फ्राई करवा रही थी। चलो अब चाय तो पिए दो इसे। चाय पी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भैया फूफो को भी साथ ले आते? मैं एक्चुअली सीधा ऑफिस से यहाँ पर आ रहा था, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी आप चाय पिए, फिर मैं आपके लिए कबाब फ्राई करती हूँ। कबाब फिर कभी से। एक्चुअली मुझे और साथ को कहीं जाना है। ठीक है, चाय तो लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ जी, तो मुझे भी बहुत लगती है, लेकिन अगर इसी तरह का मौसम रहा तो मैं अब तक कैसे जाऊंगी, घर कैसे पहुंचूंगी? अरे टेंशन नहीं लो, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ए, तो मेरी गाड़ी लग रही है, लगता है मामा आ गए हमें पिक करने। फरहाद हाय, तुम घर से आ रहे हो? आया नहीं, भेजा गया हूँ। रूबी आंटी ने कहा है कि मेरी प्यारी सी बेटी को ले आओ इससे पहले कि वो इस बारिश में भीग जाए। ओ मामा आई लव यू। चलो नहीं मैं चलो। अरे मुझे कहाँ घसीट रही हो? अरे तुम्हें घर ड्रॉप करेंगे ना, चलो। मैं इससे नहीं जा सकती। अरे चलो चलो जल्दी। अचानक ही मौसम खराब हो गया। सीरियसली फरहाद, अगर आज तुम नहीं आते ना, मेरा तो पता नहीं, लेकिन निम्रा टेंशन से मर जाती। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों के लिए मैं रहमत का फरिश्ता साबित हुआ हूँ।